हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनके सारे सॉल्यूशंस जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। बहुत स्मॉल स्मॉल इसके सॉल्यूशन है, छोटे छोटे से इसके आंसर्स है, तो हम इसको एक ही साथ ले लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल नंबर, ये कह रहा है कि 5i मल्टीप्लाइड बाय -3i बाय 5, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको इन द फॉर्म ए प्लस आई बी में एक्सप्रेस करना है। मैं यहाँ पे एक्सप्रेस वर्ड लिखना भूल गया, आप उसको नोट कर लेना कि हमें क्या करना है, 5i मल्टीप्लाइड बाय -3 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय i, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 का हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। क्या दिया हुआ है, 5i मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -3 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय i इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक तो ये जो 5 5 है आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, i मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, i मल्टीप्लाइड बाय -3 into i, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, i मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय i, ठीक है। ये i i जो है वो आपका i स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, -3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, i स्क्वायर, और ये जो -3 है वो आपका एज इट इज है, और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, -1, है ना, हमें पता है, सिंस i स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, -1, i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, सो ये -3 into -1 कितना हो गया, हमें 3 मिल जाएगा, -3 into -1 कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब हमें इसको क्या करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकोगे कि ये ओनली क्या है, रियल नंबर है, ओनली क्या है, रियल नंबर है, मतलब क्या है, ये ए है ना। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 3 plus 0 into i लिख सकते हो, ऐसे 3 plus 0 into i, है ना, 0 into i कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 plus 3 कितना हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा। और इसके LHS में क्या नंबर है, इसके LHS में क्या नंबर है, 5i, ठीक है, 5i मल्टीप्लाइड बाय -3 into i डिवाइडेड बाय 5, इसको हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, 3 plus 0 into i, विच इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ए प्लस बी आई के फॉर्म में, ठीक है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, सॉरी ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में दिख रहा है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है ना। देन एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस i raised to 9 i to the power 9 plus i to the power 19 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग कंसिडर कर लेंगे, राइट द सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आई टू द पावर 9, क्या दिया हुआ है, आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19 इज इक्वल्स टू, ठीक है। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आई टू द पावर 9 जो है उसको हम एज इट इज रखेंगे प्लस, और ये जो आई टू द पावर 19 है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय आई टू द पावर 9 लिख सकते हैं क्या, ऐसे, है ना। हमारे पास वो एक फॉर्मूला है, दैट इज ए रेस टू एम प्लस एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू एम मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू एन, है ना। थोड़ा हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, एक काम करो इसको, ठीक है, एक काम करो आप लोग, ये जो आई है ना, ये आई टू द पावर 9 हमने एज इट इज रखा है, और ये जो आई टू द पावर 19 है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 10 plus 9 लिख सकते हो, ऐसे 10 plus 9, 10 plus 9 अगेन क्या होता है, 19 होता है, ठीक है ना। तो ये आई टू द पावर 9 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे हम पावर सेपरेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। जैसे ए रेस टू एम प्लस एन क्या होता है, ए रेस टू एम मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू एन, तो वैसे ही आई टू द पावर 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, आई टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, आई टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय आई टू द पावर 9, ठीक है ना। अब देखो इसमें से आप क्या करोगे, आई टू द पावर 9 जो है आपको कॉमन दिख रहा है, सो आई टू द पावर 9 को आप कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 प्लस आई टू द पावर क्या बचेगा, यहाँ पे 10, आई टू द पावर क्या बचेगा, 10 बचेगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 8 plus 1 लिख सकते हैं, ऐसे आई टू द पावर 8 plus 1,
और यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, ये जो i टू द पावर 10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, i टू द पावर 8 प्लस 10, सॉरी 8 प्लस 2, कैसे लिख सकते हैं 8 प्लस 2। फिर से ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, a रेस टू m प्लस n क्या होता है, a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n, तो वैसे ही i टू द पावर 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, i टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ये जो 1 है वो आपका एज इट इज रहेगा, आई टू द पावर 8 प्लस 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, i टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय i टू द पावर 2, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो i टू द पावर 8 है ये कैसा है हमारा, i टू द पावर 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2 लिख सकते हो, ऐसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और यहाँ पे क्या है टू द पावर i, है ना, मल्टीप्लाइड बाय i, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय i, और यहाँ पे 1 प्लस अगेन ये i टू द पावर 8 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, i टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये कितना है हमारा i स्क्वायर, कितना है हमारा i स्क्वायर। अब देखो मैंने इंटीग्रल ऑफ पावर्स में जब हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि इंटीग्रल ऑफ पावर्स में हमने एक चीज नोट की थी वहां पे कि i टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है ना, इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, n की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलता है 1 मिलता है। तो वैसे ही i टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसा ही दिख रहा है ना आपको, इसके जैसा ही दिख रहा है, ओनली डिफरेंस क्या है n की जगह पे क्या है 2 है, सो i टू द पावर 4n को आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, तो वैसे ही i टू द पावर 4 2 को आप क्या लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 को आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए i, यहां पे कितना हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, यहां पे देखो i टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये भी कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और i स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, आई स्क्वायर हमारा कितना होता है माइनस 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1, सो यहाँ पे देखो 1 इंटू आई कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आई, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई साहब 0, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये जो 0 है इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इंटू आई, है ना, ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इंटू आई, या फिर इसको आप ऐसा भी लिखो आई बी के फॉर्म में हमें शो करना है ना, तो क्या हो जाएगा ये आई इंटू 0 लिख सकते हैं क्या हम ऐसा 0 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं ना, 0 प्लस आई इंटू 0 इज अगेन 0, तो ये जो आई रेस टू 9 प्लस आई रेस टू 19 जो है उसी को हम कैसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 0 विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में दिख रहा है आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये किसका फॉर्म हो गया, दैट इज i टू द पावर 19 सॉरी i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 प्लस i 0 विच इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में दिख रहा है आपको यहाँ पे ये a प्लस आई बी के फॉर्म में, किस फॉर्म में दिख रहा है a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो बढ़ते हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे आपको क्या दी हुई है i की जो पावर है वो माइनस 39 दी हुई है ना, i की जो पावर है वो कितनी है माइनस 39 है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे फॉर द एग्जांपल नंबर 3, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना, तो कंसीडर करो आप यहाँ पे कंसीडर, ठीक है, कंसीडर i टू द पावर माइनस 39, ठीक है, i की पावर कितनी है माइनस 39 है, तो भाई साहब इसी को हम क्या लिख सकते हैं i टू द पावर माइनस 40 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं हम ऐसे i टू द पावर माइनस 40 प्लस 1, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, i टू द पावर माइनस 40 प्लस 1 लिखोगे तो माइनस 40 प्लस 1 कितना होता है अगेन माइनस 39 होता है, ठीक है ना, तो इसी का मतलब क्या हो गया i टू द पावर, ठीक है, हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a रेस टू m प्लस n क्या होता है a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n, मतलब अगर पावर में एडिशन हुआ है तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो माइनस i टू द पावर माइनस 40 प्लस 1 को आप क्या लिखोगे i टू द पावर माइनस 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा i टू द पावर 1, कितना हो जाएगा i टू द पावर 1, है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो i टू द पावर माइनस 40 है इसी को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन i टू द पावर 40, इसका अगर हम इनवर्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन i टू द पावर 40, और यहाँ पे कितना है i टू द पावर 1 कितना हो जाएगा हमारा i हो जाएगा, सो इसी को आप कैसे लिख सकते हो i इंटू 1 कितना हो जाएगा i, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है i टू द पावर 40, i टू द पावर 40 को आप क्या लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, है ना, 40 को आप क्या लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्या आपको ये दिख रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, है ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 अगर हमने लिख दिया तो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, किस फॉर्म में दिख रहा है i टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब 1 होता है, ठीक है ना, कितना होता है 1 होता है, तो वैसे ही ये जो i है
ये आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में आप देखो यहाँ पे कि आर टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 है ना, बताया था मैंने कितना होता है आर टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय n, कितना होता है 1 होता है। तो ये आर टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, ओनली डिफरेंस क्या है, n की जगह पे 10 है ना, तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा 1, ये कितना हो गया i। अब i को अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ a प्लस ib के फॉर्म में, तो कौन सा टर्म हमारा एब्सेंट है, i है मतलब इमेजिनरी पार्ट वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ कौन सा टर्म एब्सेंट है, रियल पार्ट एब्सेंट है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना 0 प्लस i इंटू 1 लिख सकते हो, ऐसे 0 प्लस i इंटू 1 है ना, विच इज ऑफ द फॉर्म a प्लस ib, इस फॉर्म में दिख रही है a प्लस ib, इसका LHS कितना था i टू द पावर माइनस 39। सो i टू द पावर माइनस 39 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस i इंटू 1 है ना, i टू द पावर माइनस 39 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस i इंटू 1, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करना था, यहाँ पे मैं एक्सप्रेस वर्ड लिखना भूल गया था बेटा, तो यहाँ पे एक्सप्रेस लिख देना, ठीक है ना, एक्सप्रेस 5i मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय i इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लो। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, यहाँ पे 6 है ना, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 हमने यहाँ पे साथ में लिए हुए, ठीक है, और सेम आपको करना है, क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में, उसको आपको क्या करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा सोल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना। तो यहां पे आप ये कंसीडर करेंगे जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, कंसीडर, ठीक है ना, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर 3 * 7 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 7i, ठीक है, 7 प्लस 7i, और यहां पे प्लस i मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 7i, ठीक है, i मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 7i। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 * 7 कितना हो जाएगा 21, प्लस अगेन 3 * 7 कितना हो जाएगा 21i, ठीक है, और यहां पे प्लस i से अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, i * 7 कितना मिलेगा 7i, ठीक है, और यहां पे प्लस कितना हो जाएगा, i * 7i कितना होना चाहिए 7i स्क्वायर, कितना हो जाएगा 7i स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी को आप कैसे लिखेंगे, 21 प्लस ये जो 21i है वो आपका एज इट इज है, ठीक है, 21i, ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस ये जो 7i है इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे देखो प्लस 7i स्क्वायर है ना, तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, माइनस 1 है ना, हमें पता है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 21 प्लस, और अगर हम एडिशन करते हैं तो आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करना होता है, और रियल पार्ट में हमें क्या करना होता है, रियल पार्ट ऐड करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 21 आई है और यहाँ पे कितना है 7i है, तो 21i प्लस 7i कितना हो जाएगा 28i, दोनों इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट का हमने एडिशन कर लिया। अब देखो ये 7 * माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 7, अब ये 21 रियल है और 7 भी रियल है, तो रियल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 21 माइनस 7 कितना हो जाएगा 14 है ना, कितना होना चाहिए 14 प्लस 28i है ना, प्लस 28i विच इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में दिख रहा है आपको ये, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, किस फॉर्म में दिख रहा है, ए प्लस आई बी, ओनली डिफरेंस क्या है, आई हमने बाद में लिखा हुआ है, तो 28i लिखो या फिर i इंटू 28 लिखो, मतलब तो एक ही है ना, ठीक है। तो ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, विच इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, ठीक है, किस फॉर्म में दिख रहा है हमें ये, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में सेम अगेन हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लिखिएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 5, और यहाँ पे आप करेंगे कंसिडर, ठीक है, क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर 1 माइनस आई, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 6i, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 6i, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो 1 माइनस आई है वो हमारा एज इट इज रहेगा,
माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स आई, कितना मिलेगा माइनस सिक्स आई, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, वन प्लस वन कितना होना चाहिए, टू होना चाहिए, और माइनस आई माइनस सिक्स आई कितना हो जाएगा, माइनस सेवन आई, कितना हो जाएगा माइनस सेवन आई। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक स्टेप में हमें आंसर मिल गया। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिख रहा है, विच इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में दिख रहा है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ना, किस फॉर्म में दिख रहा है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते एग्जाम्पल नंबर सिक्स की तरफ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, फिर से आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ए प्लस आई बी, और आपको इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ही है, क्या दिया हुआ है, वन बाय फाइव प्लस टू बाय फाइव मल्टीप्लाइड आई माइनस फोर प्लस फाइव बाय टू इंटू आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, फिर से हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, कंसीडर, ठीक है ना, कंसीडर वन बाय फाइव, ठीक है, कंसीडर वन बाय फाइव प्लस टू बाय फाइव, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है, टू बाय फाइव आई, है ना, टू बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस कितना है यहाँ पे, फोर प्लस, ठीक है, फोर प्लस फाइव बाय टू मल्टीप्लाइड बाय आई। अब देखो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से पहले अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है हम सब्ट्रैक्ट करें या फिर एडिशन करें, एडिशन करेंगे तो रियल पार्ट का एडिशन हमें रियल पार्ट में ऐड करना होता है और इमेजिनरी पार्ट हमें इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, ये वन बाय फाइव है प्लस ये टू बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय आई है, और माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा, माइनस फोर माइनस फाइव बाय टू मल्टीप्लाइड बाय आई, है ना। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज वन बाय फाइव, है ना, और यहां पे देखो रियल पार्ट क्या है हमारा, माइनस फोर, तो माइनस फोर को हम इधर ले लेंगे, ठीक है, और यहां पे देखो प्लस, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहां पे, टू बाय फाइव आई, और यहाँ पे कितना है, माइनस फाइव बाय टू आई, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो ये जो वन बाय फाइव माइनस फोर है, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में नोट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू बाय फाइव माइनस फाइव बाय टू में से आई को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा, फाइव, टू बाय फाइव क्या मिलेगा, टू बाय फाइव, और यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस फाइव बाय टू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आई, मल्टीप्लाइड बाय आई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिलेगा, वन माइनस फोर इंटू फाइव कितना हो जाएगा, ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, टू इंटू टू इज फोर, है ना, टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर, फाइव माइनस फाइव कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी फाइव, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय फाइव इंटू टू कितना होता है, टेन, और यहाँ पे कितना है हमारे पास, आई। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, वन माइनस ट्वेंटी इज माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाय फाइव, और यहाँ पे कितना है प्लस, फोर माइनस ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा, माइनस नाइनटीन, कितना हो जाएगा, माइनस नाइनटीन, और यहाँ पे कितना है, टेन, ठीक है, ये सॉरी माइनस ट्वेंटी वन नॉट नाइनटीन, है ना, फोर माइनस ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, आई। तो इसी को आप कैसे लिखेंगे, माइनस नाइनटीन बाय फाइव, ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये कितना मिलेगा, ट्वेंटी वन बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय आई, है ना, कितना मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिख रहा है, जहां पे ए का वैल्यू कितना है, माइनस नाइनटीन बाय फाइव, और बी का वैल्यू कितना है, माइनस ट्वेंटी वन बाय टेन, है ना, कितना है, माइनस ट्वेंटी वन बाय टेन। तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नोट करिएगा। तो चलिए बच्चे बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर सेवन एंड एग्जाम्पल नंबर एट, ठीक है ना। फिर से वही हमें करना है, कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वन माइनस आई रेस टू फोर दिया हुआ है, इसको भी हमें क्या करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर सेवन, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। अब देखो, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, कंसीडर जो नंबर आपको दिया हुआ है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, वन बाय थ्री आई, वन बाय थ्री प्लस सेवन बाय थ्री आई, ठीक है, वन वन सेवन बाय थ्री आई प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना है, फोर प्लस वन बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय आई, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस कितना है, माइनस फोर बाय थ्री, ठीक है, माइनस फोर बाय थ्री प्लस आई, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
इसका रियल पार्ट कलेक्ट करना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रियल पार्ट को हम रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो 1/3 है, 1/3 प्लस 7/3 आए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4 प्लस 1/3 आए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन से जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3। और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, माइनस आई, ठीक है ना, कितना मिलेगा, माइनस आई। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3। देखो यहाँ पे रियल पार्ट्स क्या है, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, कलेक्ट करेंगे, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 जो है इसको हम एक ब्रैकेट में नोट करेंगे और यहाँ पे प्लस, ठीक है, जिसमें आए है, देखो 7/3 आए, प्लस 1/3 आए, माइनस आए, तो इसमें से हम क्या करेंगे, आई को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 7/3, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, प्लस 1/3, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय आई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब रियल पार्ट में हम रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में हम इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो 1/3 और यहाँ पे प्लस 4 प्लस 4/3, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 = 12/3। क्या किया हमने यहाँ पे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 4/3, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस। यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7/3 प्लस 1/3 माइनस, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 3/3 मल्टीप्लाइड बाय आई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, है ना। ये जो 12/3 हमने लिखा हुआ है, इसी का मतलब क्या होता है, 4। 12 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे क्या मिलेगा, 1 + 12 + 4 बाय कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 7 + 1 - 3, ठीक है, -3 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आई। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 1 + 12 = 13, 13 + 4 कितना हो जाएगा, 17, तो 17/3 और यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 + 1 = 8, 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा भाई साहब, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय आई, विच इज इन द फॉर्म a + ib, ठीक है। ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, a + ib के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 8 भी सॉल्व करेंगे, तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर, ठीक है, कंसीडर इस नंबर को हम कंसीडर करेंगे, क्या दिया हुआ है आपको, 1 - i^4, ठीक है ना। तो ये जो 1 - i^4 है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1 - i, ठीक है, raised to 2 × 2, है ना। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, अगेन 1 - i² raised to क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2, ठीक है, अगेन 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज a - b² क्या होता है भाई साहब, a² - 2ab + b², ठीक है ना। क्या होता है, a² - 2ab + b², तो ये जो 1 - i² है, इसको अगर मैं a - b के साथ कंपेयर करूं, तो a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू कितना है i, तो इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, 1² = 1 - 2ab, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है i, तो ये कितना हो जाएगा, -2i + b², b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, अगेन i, ये कितना हो जाएगा, i² और यहाँ पे रेस्टू क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 1² = 1 -2i, ठीक है, -2i प्लस i का स्क्वायर, हमारे पास i² है, इंटीग्रल पावर ऑफ i, है ना। तो क्या होता है, i² = -1, है ना, i² कितना होता है, -1, हमने देखा था इंटीग्रल पावर ऑफ i में कि i का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो i² कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, -1 और यहाँ पे आएगा आपका होल स्क्वायर। ये +1 - 1 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, -2i होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये -2i होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 4, और i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, i² दैट विल इंप्लाइज 4, i² अगेन कितना होता है, -1, दैट इज -1, और 4 × -1 कितना हो जाएगा, -4। बट हमें इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे i का टर्म जो है वो अब्सेंट है, और अगर i का टर्म अब्सेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो कैसा है, 0 है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, -4, -4 इज रियल नंबर,
माइनस फोर क्या है हमारा रियल नंबर है, तो अगर यहाँ पे इमेजिनरी टर्म अब्सेंट है इसका मतलब क्या हो गया कि बी का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस फोर प्लस I into 0, है ना, लिख सकते हो ऐसे minus 4 I into 0. So we can see now this minus 4 plus I into 0 in the form, किस form में दिख रहा है आपको, A plus IB के form में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई भी complex number देने दो, हम उसको A plus IB के form में express कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप LHS में लिख लेना ऐसे 1 minus I raised to 4, ये किस फॉर्म में, ठीक है, इसका वैल्यू a plus ib के फॉर्म में क्या हो जाएगा, minus 4 plus I into 0, ठीक है। तो चलो राइट नोट कर लो। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। हमारा अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 1/3 प्लस 3i होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a plus ib, ठीक है। तो इस नंबर को हमें क्या करना है, a plus ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। तो कंसिडर करेंगे आप, ठीक है, कंसिडर, ठीक है, कंसिडर 1/3, ठीक है, 1/3 प्लस 3i होल क्यूब, ठीक है ना, 1/3 प्लस 3i होल क्यूब। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी होल क्यूब जो है ना, a प्लस बी होल क्यूब, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो इसी को हम लोग पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 1/3 प्लस 3i है, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, 9, 9i बाय कितना होना चाहिए, 3 होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्यूब जो है हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 9i, ठीक है, 1 प्लस 9i टू द पावर 3 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 क्यूब, और 3 क्यूब हम सबको पता है कितना होता है, 27, है ना। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 प्लस 9i होल क्यूब बाय कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3 क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, ठीक है ना, कितना होना चाहिए, 27। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 9i होल क्यूब में a प्लस बी होल क्यूब वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये 1 प्लस 9i किसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है, a प्लस बी के जैसा दिख रहा है ना, किसके जैसा दिख रहा है, a प्लस बी के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 1 है, और b की जगह पे क्या है, 9i है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, a की जगह पे क्या है, 1, तो क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस बी, बी का जगह पे यहाँ पे कितना है, 9i, तो ये कितना हो जाएगा, 9i क्यूब, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 9i क्यूब प्लस, ठीक है, 3a इनटू b, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है, b का वैल्यू कितना है, 9i, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, तो a का वैल्यू अगेन कितना होगा, 1, प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9i, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है, 27, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करें तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 हो जाएगा, ठीक है, 9i, है ना। यहाँ पे देखो 9i में पहले तो हम सेपरेट कर देंगे कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, i क्यूब, है ना, कितना हो जाएगा, i क्यूब, देन यहाँ पे प्लस, ठीक है, 3i इंटू 9 कितना होना चाहिए, 27, है ना, 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 27, दिस इज 27i, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 9i, है ना, कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 9i डिवाइडेड बाय कितना है, 27, ठीक है, डिवाइडेड बाय 27, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो 1 है वो आपका एज इट इज रहेगा प्लस, ठीक है, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होना चाहिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 81 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे, 81 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 इज 9, ठीक है, और 8 9 का कितना होता है, 72, 8 9 का कितना होता है, 72, तो कितना मिलेगा, 729, है ना। तो 9 का क्यूब कितना होना चाहिए, 729, है ना, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, 729, ठीक है, और i क्यूब जो है इसको हम फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रखेंगे i क्यूब, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस 27i से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27i इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई साहब, 27i कितना हो जाएगा, 27i, और यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो 27i इंटू 9, है ना, तो यहाँ पे देखो कितना होना चाहिए, i इंटू i जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, और 27 इंटू 9 अगर आप करोगे, है ना, 27 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना होना चाहिए, 97 का कितना होता है, 7, ठीक है, 97 का 63, ठीक है, तो रिमाइंडर इज 6, 69 का कितना होता है, 18, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 243, है ना, कितना मिलेगा यहाँ पे,
243, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से इसको सॉल्व करना है क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अगर हम लिखे तो अगेन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो 1 है वो आपका एज इट इज है प्लस ये 729 आई क्यूब है ना। तो ये जो 729 है इसको तो हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर है ना, क्या लिख सकते हैं हम, आई इंटू आई स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है हमारे पास प्लस 27 आई है ना, कितना है 27 आई। और यहाँ पे देखो कितना है 243 तो यहां पे अगर हम आई की जगह आई स्क्वायर की जगह पे माइनस वन पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू 243 कितना हो जाएगा, माइनस 243 कितना होना चाहिए, माइनस 243। और यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है 27, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 27। सो अगेन यहां पे देखो आपका जो ये 1 है वो एज इट इज है, ठीक है। ये देखो 1 माइनस 243 है ना, 1 माइनस 243 कितना हो जाएगा माइनस 242 है ना, कितना होना चाहिए 242, ठीक है ना। तो यहां पे 1 माइनस 243 कितना हो गया माइनस 242, ठीक है। यहां पे देखो देन 729 मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस, तो माइनस इंटू आई कितना हो जाएगा, हम पहले लिख लेते हैं 729, ठीक है 729। यहां पे आई है और जो आई स्क्वायर है इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस 1 और यहां पे प्लस 27 आई, ठीक है माइनस, ठीक है ये माइनस 243 तो हमने 1 के साथ ऐड कर लिया, मतलब कितना हो गया माइनस 242। और यहां पे डिवीजन में डिनोमिनेटर में कितना है 27, ठीक है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ये जो माइनस 242 है वो आपका एज इट इज है ना। और ये माइनस आई इंटू 729 कितना हो जाएगा माइनस 729, ठीक है 729 I, और यहां पे कितना है प्लस 27 आई, कितना है प्लस 27 आई। और इसके डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 27 है ना, इसके डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 27। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ये जो माइनस 242 है वो आपका एज इट इज रहेगा। अब माइनस 729 आई और यहां पे क्या है प्लस 27 आई, माइनस 729 आए और प्लस 27 आए, इसमें अगर आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो साइन क्या होगा आपका माइनस, ठीक है। और 729 में से अगर आप 27 निकाल देंगे तो कितना बचेगा भाई साहब 702 कितना बचेगा 702 मल्टीप्लाइड बाय आई और यहां पे कितना है 27, ठीक है ना, यहां पे कितना है 27। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, यहां पे हम डिनोमिनेटर अगर सेपरेट कर दे तो क्या मिलेगा, ठीक है क्या मिलेगा माइनस 242, ठीक है माइनस 242। और यहां पे डिनोमिनेटर में कितना आएगा 27, कितना आएगा 27। और यहां पे माइनस कितना है, ठीक है माइनस 702 बाय 27 है ना, 702 बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय आई। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस 242 बाय 27, इसमें किसी का डिवीजन होता है क्या, माइनस 242 बाय 7 में डिवीजन होता है क्या, नहीं होता है ना। माइनस 702 बाय 27 में, 702 बाय 27 में आप कर सकते हो क्या, 27 इंटू 27 इज 54 है ना, और 54 में अगर आप 27 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है दैट इज 61 और 20 है ना, कितना हो जाएगा वो 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 जा है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 242, ठीक है डिवाइडेड बाय 27। और यहाँ पे अगर हम डिवीजन करें तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 702 को अगर आप डिवाइड करो, ठीक है 702 को अगर आप 27 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 27 टू जा कितना होता है 54, ठीक है ना 54। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा, ठीक है दिस इज 6 एंड ये क्या है 10 है ना, तो दिस इज, ठीक है कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है। और यहां पे अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना 26 है ना, 6 है ना। तो यहां पे आपको कितना मिलेगा माइनस 26 आई है ना, कितना मिलेगा माइनस 26 आई। अगर 702 को अगर आप 27 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा आपको माइनस 26 आई। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस 242 ठीक है डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा प्लस माइनस 26 आई, ठीक है माइनस 26 आई। तो ये हो गया हमारा फॉर्म, किस फॉर्म में दिख रहा है आपको ये माइनस 242 बाय 27 प्लस माइनस 26 आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिख रहा है, किसके फॉर्म में दिख रहा है
आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से करना होता है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स है और डिविजन मल्टीप्लीकेशन तो हम सबको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से करें तो आपका आंसर जो है एकदम करेक्ट आएगा। अगर आपने घाई गड़बड़ी की तो ये कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपकी जो है मिस्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। सो नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए नजर बना के रखिए।